हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY ग्रीन टी फेस टोनर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रीन टी हमारी हमारी हेल्थ के लिए जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा हमारी स्किन के लिए भी होता है। तो जो फेस टोनर मैं आपको बताने वाली हूँ वो ना सिर्फ आपके पिंपल और रिंकल्स को हटाएगा बल्कि ये फेस पर ऑयल के प्रोडक्शन को रोकेगा, पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा, उसके साथ साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और साथ ही ये आपके कलर को भी ब्राइटन अप करेगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए देख लेते हैं कि इस फेस टोनर को कैसे बनाना है, उसके लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा ये DIY फेस टोनर पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सारे इन्ग्रीडियंट्स मैंने बहुत ही ईजिली जो घर में अवेलेबल हैं उसी को बताए हैं, तो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत इजीली आपको घर में अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने यहाँ लिया है टेटली का ग्रीन टी, आपके पास जो भी ग्रीन टी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक पाउच चाहिए होगा ग्रीन टी का। उसके बाद मैंने लिया है विटामिन ई की एक कैप्सूल, ये भी आपके पास इजीली मिल जाएगी। और फिर मैंने लिया है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, और अगर आप चाहें तो विटामिन ई को स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है एलोवेरा जेल, और कोशिश कीजिएगा कि बाज़ार वाला एलोवेरा जेल ही यूज़ करें। उसके बाद मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर, और ये भी अमूमन आपके घर पर होता ही है। मैंने ये वाला लिया है ऑर्गेनिक इंडिया का, आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने लिया है रोज़ वाटर, ये तो सबके पास होता ही होता है। करने के लिए आपको चाहिए होगी कुछ इस तरीके के एक स्प्रे बॉटल। मेरे पास गुड वाइब्स का टोनर था जो कि ख़त्म हो गया है, तो मैं अपने DIY टोनर को इसी बॉटल में रखूँगी क्योंकि इसके साथ हमें यहाँ पर पंप भी मिलता है, स्प्रे पंप, जिससे कि आसानी से टोनर अप्लाई हो जाता है फेस पर। आप दूसरी बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपनी फिंगर से या फिर कॉटन में डिप करके भी टोनर को लगा सकते हैं। तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप कोई भी बॉटल यूज़ कर लीजिएगा। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये हमारी स्किन को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। ग्रीन टी हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, साथ ही ये स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन को भी कम करता है, जिससे स्किन तैलीय नहीं होती है। इसके नियमित इस्तेमाल से रिंकल्स की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है, और अगर हम नियमित यूज़ करते हैं इसको तो हमारी स्किन भी ग्लोइंग हो जाती है। एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लामेटरी और कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, साथ ही साथ ये स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और ब्लेमिशेस को भी कम करता है। स्किन पर ग्लो बना रहता है और स्किन ब्राइट नज़र आती है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। फिर मैंने ली है विटामिन ई की एक कैप्सूल। विटामिन ई हमारी त्वचा को ड्राई होने से बचाता है, साथ ही साथ उसे चमकदार भी बनाता है, ये त्वचा को मॉइस्चराइज़ भी करता है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हमारी त्वचा को निखारता है, साथ ही साथ अगर त्वचा में कहीं रेडनेस है तो ये उसको भी दूर करता है, साथ ही साथ हमारे टोनर को प्रिजर्व करने के लिए भी लेवेंडर एसेंशियल ऑयल काफ़ी यूज़फुल है। तो इसकी एक से दो ड्रॉप ही इनफ होंगी टोनर में। एप्पल साइडर विनेगर में एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ ये हमारे स्किन से ऑयल के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, उसको रोकता है, और ये हमारे कलर को भी फेयर करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस टोनर का। रोज़ वाटर से एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है स्किन पर, ये स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रीन टी के पैकेट को वार्म वाटर में 10 मिनट के लिए सोख करके रखना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद हमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाने हैं। 5 से 10 मिनट सोख करने के बाद जब वाटर का कलर इस तरीके का हो जाए और वाटर बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक विटामिन ई की कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर ईजिली मिल जाता है, इसे एक ही डालना है, पूरा डाल देंगे हम कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून विनेगर। फिर इसमें मिक्स करना है 2 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। फिर हमें लेना है 2 टेबल स्पून गुलाब जल, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसे एक बॉटल में भरकर फ्रिज में रखना है। तो आप इसको 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, और
आप इसे 2 से 3 बार दिन भर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश आपको दिखेगी। तो इस टोनर को इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे इसके रिजल्ट्स के बारे में बताइए। लगभग 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसने आपकी स्किन पर कैसा वर्क किया है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।